गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर, आ रही। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। डीपीपी नंबर कौन सा था? बी टेन। एक मिनट बेटा, मैं आंसर्स बता रहा हूँ आपको। लिखना आंसर, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए।
फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, बी डी ए, बी डी ए, ए सी ए, ए सी ए सी ए, ए सी बी बी डी सी बी, बी बी डी सी, टिक लगा लो आंसर्स पे. होमवर्क हुआ? यस. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक से पांच तक हुए? यस सर. ये मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन BCL3. क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा हूँ. BBR3, BF3 ये सब सेम होंगे क्या बेटा? बोलो. बोलो. हाँ सर. कितना एंगल होगा बताओ? 120 degree. क्वेश्चन नंबर 6 to 10. क्वेश्चन नंबर 6 to 10. क्वेश्चन 6. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं क्या हम SO3-2 का? इस तरह से क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3+1/3, 1.33. SO4-2 का? नहीं सॉरी, सही. SO4-2 का क्या आएगा? 4+2/4, 1.5. और SO3 का? 3+3/3 तो आ जाएगा 2. सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका? SO3 का. तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ SO3 की, फिर SO4-2, देन SO3-2. क्लियर है? हाँ, कैसे निकालते हैं? σ+π/σ, इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 था ना? क्वेश्चन नंबर 9 बताना है ना. गिवन है कंपाउंड XeO2F2. अब ज़ेनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 तो ऑक्सीजन के साथ लग रहे हैं, 1 लोन पेयर बचेगा और 2 फ्लोरीन के साथ. क्या बोलते हैं शेप को? इस शेप को बोलते हैं सीसो. और ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. लेकिन इस शेप को हम बोलने वाले हैं सीसो. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? देखो स्टेरिक नंबर हमारा कितना आ रहा है? 4 तो सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है. तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d. तो आंसर क्या आ जाएगा? ए. 10th हो गए क्या? 10th नहीं सर. हाँ सर. 10th भी नहीं हुआ? 10th तो हमने पढ़ा है ना. A4 वाले बच्चों से किससे नहीं हुआ 10th? जो पुराना A4 है उसमें कोई है ऐसा? A3 में किससे नहीं हुआ? तो किससे नहीं हुआ बेटा? क्वेश्चन पूछ कौन रहा है? हेलो. A1 के भी बच्चे हैं इसमें. कौन पूछ रहा? अरे बोलो बेटा, शर्माने की क्या बात है? गर्ल्स किससे नहीं हुआ 10th? हेलो सर. हुआ है अभी? कोई पूछ रहा था ना 10th बताना है. बताना है कि नहीं बताना है?
नो सर नहीं सर नहीं ठीक है 11 से 15 11 to 15 सारे हो गए क्या 11 से 15 यस सर हाँ सर 12th बटन है XCF2 कुछ इस तरह से होगा तीन लोन पेयर है तीनों को कहाँ पर रखेंगे हम इक्विटोरियल पोजीशन पे तो बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री XCF2 के बाद XCF4 तो XCF4 कुछ इस तरह से होगा ठीक है दो का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा दो का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा XCF5 कितना हो जाएगा इस तरह से नहीं गलत बना दिया ना मैंने ये XCF4 का ऐसे नहीं बनेगा XCF4 ऐसे बनेगा बॉन्ड एंगल कितना हो गया 90 डिग्री XCF5 इस तरह का हाँ सर XCF5 माइनस बेटा स्क्रीन दिख रही है हाँ सर बेटा आज कम बच्चे कैसे हैं रोज तो 90 समथिंग होते हैं सर आज E4 वाले हैं सिर्फ अच्छा A3 A4 वापस अलग अलग हो गए क्या हाँ सर वापस आ गए हम हाँ सर डिवाइड सर वापस आ गए E4 वाले तो आधे बच्चे तो सुबह भी पढ़ चुके होंगे आज की क्लास हाँ सर वही पढ़ेंगे बेटा अपन कुछ नहीं होता पढ़ लेते एक बार सर आज कंबाइन क्लास थी कल से अलग अलग है अच्छा ये वाली कंबाइन क्लास थी क्या हाँ सर हम लोग ने दोपहर की क्लास थी जने भी अच्छा फिजिक्स वाले सर की कंबाइन ली क्या और दूसरे सर ने पहले ही रिमूव कर दिया दिवाकर सर के मतलब हम मतलब जो ऑफलाइन वाली बैच थी उन्होंने ली दिवाकर सर की अरे यार क्या करते हैं एक मिनट बात करने दो मुझे आयुषी वगैरह तो A3 की बच्ची है ना हाँ सर तो
तो आप कैसे आ सर चुके हो यहाँ? उन्होंने मतलब आज कंबाइन ही थी उन्होंने अभी ये अभी एक जो क्लास हुई उसके बाद मुझे A3 में ऐड किया। मैंने आज अच्छा, तो सुबह आप की पूरा क्लास हाँ आज सुबह की क्लास नहीं की थी सर। ओके कल से अलग अलग हो जाएगा, कल से 8 बजे वाला टाइमिंग है A3 का। ओके 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 ठीक है। तो चलो बेटा, आज आज अपन वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लेंगे कल। क्लियर है? क्लियर है केमिकल बच्चों? बॉन्डिंग सर हाँ बेटा, वो केमिकल वो बॉन्डिंग का याद है ना, एक टॉपिक वंडरवॉल छूट रहा बॉन्ड्स था, वगैरह वंडर का वॉल। भी था। हाँ, 3 क्लासेस हाँ, नहीं तो एक काम करते हैं, 2-3 क्लासेस का और ये चैप्टर बच रहा है, ये चैप्टर खत्म करते हैं, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे। हाँ हाँ सर। ठीक सर है? फिर शीट वापस सब डिस्कस करना चालू करेंगे ना हम, क्योंकि एक फिर हाँ हाँ शीट डिस्कस करने लगेंगे अपन, केमिकल बॉन्डिंग की शीट डिस्कस करेंगे, और A3 में हम गैसीय सॉरी GOC की सर शीट डिस्कस करें। ठीक है? और जो बच्चे रह जाए ना बेटा, आपके फ्रेंड वगैरह, तो उनको बोलना मैं आपको लेक्चर भेज दूंगा, आज का जो लेक्चर मिस हो गया होगा जो। ठीक है, आ जाओ A4 पे आ जाते हैं अपन वापस। अपने हाँ बेटा, वो DPP में 12th वाले के पहले कौन सा पता था? आपकी आवाज आ सकती। अच्छा एक सेकेंड बेटा, DPP देख लेता हूँ मैं। DPP में B10 था ना, DPP में मैंने 12th वाला बताया ही, हाँ 12th वाला बताया, उससे पहले मैंने शायद 6th वाला बताया था। 10th वाला बताना है कि किसी ने तो 10th पूछा था मुझसे, क्योंकि सर वो 11th, आप सर जब 10th का बोल रहे इलेवेंथ थे तो 11th के लिए बोला था मैंने। वाला। अच्छा 11th बताऊं, एक सेकेंड बेटा। A4 में तो सिलिकेट्स मैंने पढ़ाए हैं, सिलिकेट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, Si(O)4 माइनस का 4 ऐसे दिखते हैं, कौन सिलिकेट, इसका अगर मैं शेप बनाऊं ना तो इस तरह से दिखते हैं। याद है A4 वालों? हाँ याद सर। है? हाँ अब सर। वो बोल रहा है कि असाइक्लिक सिलिकेट, असाइक्लिक ट्राई सिलिकेट, असाइक्लिक मतलब ओपन चेन है ना, तो ओपन चेन का सिलिकेट कुछ इस तरह से बनेगा। अगर A3 वालों को नहीं पढ़ाया गया है तो आप A4 के वीडियो देख लेना, केमिकल बॉन्डिंग के इस तरह का होगा। हाँ सर पढ़ा है ये वाला। है ना, ये सेम शेप पढ़ा है हमने। अब देखो, इनमें सारे सल्फर पर, सभी पे माइनस चार्ज होगा, ओनली किन को छोड़कर, ओनली ये वाले सल्फर को छोड़कर है ना, ये वाले ऑक्सीजन को छोड़कर, ये वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं होगा। टोटल ऑक्सीजन कितने देखो यहाँ पर, मैं ब्लू से बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब O10। O10 में से सिर्फ जो शेयर हो रहे हैं ना, उन वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं है, तो बाकी सब पे है, तो -8 चार्ज लिख दिया मैंने। सल्फर कितने है? 3 सिलिकन है, 3 सिलिकेट है, तो सॉरी सल्फर क्या, 3 सिलिकन है, तो 3 सिलिकन के एटम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Si3O10-8, तो हमारा B आंसर होगा, है ना। A3 वालों को शायद ये बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया गया है, इस वजह से आपको शायद इसमें प्रॉब्लम आई है, सुबह वाले बैच में भी प्रॉब्लम थी, तो उनको मैंने यही बोला है कि A4 के कुछ वीडियोस हैं, आज 1 घंटे का वीडियो होगा बेटा, वो देख लेना, जिसमें हमने काफी सारे बेसिक इनऑर्गेनिक की नेमिंग सीखी। क्लियर? यस यस 12, 13, 14, 15 हो चुका है, चलें आगे। हाँ यस सर। हाँ सर। सर हाँ सर। सर आपने
हाँ बोलो बेटा। स्क्रीन शेयर बंद हो गया। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? सर मुझे भी नहीं दिख रही। हाँ सर। बेटा क्या पढ़ लिया था अपन ने? हमने इन तीनों इन तीनों का फॉर्मूला देखा था। एवरेज अब इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे हम। देखो एक मिनट दो क्वेश्चन लिखवाने का। लिखो द एवरेज वेलोसिटी of gas molecules is 400 क्या पढ़ाने वाले हो वो ऑफलाइन में बेटा वही जो ऑफलाइन में केटीजी वाला होगा था थोड़ा सा तो उससे आगे पढ़ाओगे आज। हाँ उसके आगे पढ़ाऊंगा बेटा। कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर। जल्दी से ये क्वेश्चन कर दो बेटा फिर केटीजी स्टार्ट करेंगे अपन। द एवरेज वेलोसिटी मतलब यहाँ पर देखना बच्चों v एवरेज दे रखा है कितना 400 मीटर पर सेकंड और क्या पूछा है v आरएमएस पूछा है। कुछ निकालने का तरीका है क्या? इन दोनों का रेशियो ले लूं हाँ सर। लिखा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट किया? एक सेकंड। हाँ सर। ना क्वेश्चन नोट कर। सर कैलकुलेट की बात क्या लिखा? कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। हो गया चले आगे। हाँ सर। चलो अब मैं अगर ऐसा कर देता हूँ वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? √3RT/m। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? √8/πRT/m। यही होता है दोनों का। अगर मैं रेशियो ले लूं तो क्या आएगा? आरटी से आरटी कट है ना और थ्री ऊपर आ जाएगा 3 × π/8/π/8। सही लिखा है क्या? वी आर एम एस क्या आ जाएगा? वी आर एम एस आ जाएगा 400 × √3π/8/8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सर पिछली स्लाइड सिंपल है। हाँ सर नोट कर लो। हो गया सर। अब ध्यान देना बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको हम केटीजी बोलते हैं। केटीजी नोट करो। यस सर। किया? यस सर। है ना। इसमें अब हम कुछ पॉइंट लिखेंगे बेटा। ये सेम टॉपिक आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पर नहीं है। फिजिक्स में शायद इससे थोड़ा सा ज्यादा हो। उसमें थोड़ा डीप में डेरिवेशन होंगे। यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन है। हमें सिर्फ एक फॉर्मूले से काम है। वो है फॉर्मूला प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना है हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है चले आगे। हाँ हाँ
तो पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। ये जो वैलिड है ओनली फॉर आइडियल गैसेस। सर लास्ट मैंने आपको हाँ एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं बता रहा हूँ। इट इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस ओनली। नोट करो। हो गया सर। ये हो गया। यस सर। इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैसेस। सेकंड पॉइंट है फॉर आइडियल गैस देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी मैं समझाता हूँ बेटा, आप पहले नोट कर लो। फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। नोट कर लो जल्दी से। किया क्या नोट? Yes, अब देखो बेटा मैं तीनों टॉपिक समझा रहा हूँ, तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट तो है कि ये ओनली आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है। एक और टाइप की गैस होती है जिसको बोलते हैं रियल गैस, ठीक है ना। तो ये रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। रियल गैस मतलब जो रियल वर्ल्ड में पाई जाती है, आइडियल गैस जो सिर्फ हमारी बुक्स में पाई जाती है, ठीक है। एक्चुअल में आइडियल गैस नाम की ऐसी कोई गैस नहीं होती है जो उसका बिहेवियर कैसा हो, आइडियल गैस की तरह वैसा हो नहीं सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है? देखो सेकंड पॉइंट उसको डिफाइन करते हैं। आइडियल गैसेस के लिए कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। अभी A4 वालों को ये बात थोड़ी सी समझने में कम आएगी क्योंकि उन्होंने वॉन्डरवॉल फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है ना। हर एक मॉलिक्यूल जो रिएक्ट नहीं करता है आपस में, वो उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी भारी गैस होती जाएगी, जितनी हैवी गैस होती जाएगी, उतना ही उनके बीच में क्या होता जाएगा, अट्रैक्शन। याद हो तो मैंने लास्ट क्लास ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आपको लास्ट में समझाया था कि क्यों I2 सॉलिड होता है, क्यों F2 गैस होता है, याद है? हाँ। है ना, बताया था ना। F2 Cl2 तो हमारी गैस थी, फिर लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा Br2 में ये हमारा लिक्विड हो जाएगा, फिर I2 क्या हो जाएगा, सॉलिड होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैस में ऐसा नहीं होने वाला है। हम ये मान के चलते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, बट एक्चुअल कंडीशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। क्लियर है? थर्ड वो बोल रहा है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का है ना कोई वॉल्यूम नहीं होगा। मान लो कि एक कंटेनर है, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में कोई गैस हम फिल कर दें, है ना, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? हमारे वेट को पूरे रूम के वॉल्यूम से माइनस, पूरे रूम के वॉल्यूम में से आप लोगों का वॉल्यूम को माइनस कर दोगे। हाँ। तो उस रूम में फिल्ड गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन हाँ। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल है उनके वॉल्यूम को क्या बोल दिया उसने, नेग्लिजिबल बोल दिया। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, फिर वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। मतलब उसने, अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, तो आपके रूम का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको नेग्लिजिबल बोल दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, जितना बड़ा आपका रूम था। समझ आया? बट एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम वंडरवॉल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये दोनों पॉइंट हमें बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर है? यहाँ पर ऊपर लिख भी लेना, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल।
हो गया क्या? हाँ बेटा सर अभी जो बताया वो रिपीट कर दो। कौन सा वाला पॉइंट? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार। थर्ड वाला पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कोई रूम है, जिस रूम में मान लो आप बैठे हो, उस रूम में जितनी भी एयर फील्ड है उसका अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? उस रूम का वॉल्यूम माइनस आपका वॉल्यूम, आपका जितना भी फर्नीचर है उसका वॉल्यूम, ऐसे हाँ। निकालोगे ना। बट अगर आपसे बोला जाए कि आपका वॉल्यूम और जितना भी फर्नीचर था उसके वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मान रहे, तो फिर एयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जितना बड़ा आपका रूम था उसके बराबर। यस राइट। तो आइडियल केसेस में हम यही मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब जीरो वॉल्यूम है उनका, जो कि एक्चुअल में होना नहीं चाहिए। बट हम आइडियल गैसेस के केस में उनके वॉल्यूम को जीरो मानने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा उस कंटेनर में? उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। बस इतनी सी बात। ओके क्लियर है? हाँ। चलें आगे। सर क्या बोल रहे हो बेटा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिखना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कर दे। हो गया? हाँ सर। चले आगे। हाँ सर। चलो फोर्थ पॉइंट लिखना। प्रेशर अप्लाइड बाय गैस इज ड्यू टू collision between molecules and container wall. Likho, pressure applied by gas is due to collision between molecule and container wall. Actual में भी ऐसा ही होता है। हम कोई cold drink पीते हैं, cold drink को थोड़ा सा shake करेंगे। एक मिनट, इसके पहले का slide दिखाओ ना please। हो गया सर। अब ध्यान दो बेटा, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में गैस फिल्ड होती है, कौन सी गैस होती है? CO2। हाँ। जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक को शेक करते हैं CO2 गैस के जो मॉलिक्यूल है, CO2 गैस के मॉलिक्यूल उसके कंटेनर के वॉल से, उस ग्लास बॉडी से टकराते हैं, प्रेशर एग्जर्ट होता है। जैसे ही कैप को खोलते हैं वो एकदम से बाहर आती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा एग्जर्ट हो चुका था अंदर। लेकिन अब हम उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी धीरे होगी, फिर हम कैप खोलेंगे तो क्या वो बाहर आएगी? नहीं आएगी। तो जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल वॉल पे टकराएंगे प्रेशर एग्जर्ट होगा, जितना ज्यादा टकराएंगे, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। समझ आ गया? वो प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा, कितना एग्जर्ट होगा, वो हमें केटीजी में पता करना है। फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ऑल कोलिजन आर इलास्टिक। इसका मीनिंग है कि कोई एनर्जी नहीं लॉस होने वाली। ध्यान देना कि जैसे मैंने एक बॉल फेंकी, किसके पास? दीवार पे बॉल फेंकी, तो क्या वो उसी स्पीड में वापस से लौट कर आएगी? नहीं। जिस डिस्टेंस से मैंने बॉल फेंकी थी दीवार पे टकराई, उतनी डिस्टेंस वो वापस से कवर नहीं करेगी बेटा, है ना? थोड़ी कम डिस्टेंस कवर करेगी। राइट। मतलब उसने क्या किया, बॉल जैसे ही दीवार पे टकराई, उसने उस बॉल ने उसकी एनर्जी का थोड़ा सा फ्रैक्शन वहां पर वॉल को छोड़ दिया, वॉल को दे दिया। जैसे मैं बुलेट चलाऊंगा तो दीवार पे जैसे ही टकराएगी बुलेट डूब जाएगी, मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। बट ऐसा एक्चुअल आइडियल केस में नहीं रखेंगे हम। आइडियल केस में हम ये बोल रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल दीवार पर जिस स्पीड से टकरा रहे हैं उसी स्पीड से वो वापस से लौट कर भी आएंगे, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। बात समझ आ गई? है ना। अब एक कंटेनर बना रहे हैं अपन, उस कंटेनर में हम प्रेशर को एग्जर्ट करके देखेंगे। देखो ये क्यूबिकल कंटेनर है, बना लो आप सब।
बनाया सभी ने? एक सेकंड। हाँ बनाया। हाँ अब देखना बेटा, ये बीचों बीच क्या है, एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है ना, और मैं इस वाली वॉल पे इस मॉलिक्यूल को टकराऊंगा। कितने फेसेस होते हैं कंटेनर के? 6 फेसेस। अपने रूम में देख लो, 4 तो दीवार है, 1 छत है और 1 नीचे का फ्लोर है, 6 है ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये गैस का जो मॉलिक्यूल है इस पर जाकर टकरा रहा है यहाँ, और वापिस से लौट के जा रहा है। अब जो वेलोसिटी है ना बेटा, मैं उसको बोलूंगा वी एक्स। क्या बोलूंगा? Vx इसलिए बोला है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वो x डायरेक्शन में होगी तो Vx बोलूंगा, वो y डायरेक्शन में होती तो Vy बोलता, वो z डायरेक्शन में होती तो Vz बोलता। तो अभी मैं सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, Vx। क्लियर है? क्लियर है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास मैं बोल रहा हूँ m। क्या बोल रहा हूँ? m। इसका मास को क्या बोल रहा हूँ? m। क्लियर है? Yes, है ना। अब एक एक करके अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये सभी का बन गया। Yes, sir. Yes, sir. आगे चलूं? सर एक मिनट। ये जो वॉल्यूम की जो कंटेनर की जो लेंथ है वो मैं मान रहा हूँ l। एजेस की जो लेंथ है, एज लेंथ, उसको मान रहा हूँ l। तो सारी एज लेंथ l हो जाएगी क्योंकि क्यूब है। हाँ सर। इरेज कर दूं? हाँ। अब देखो, अगर मुझसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, बता दो जल्दी से। एल क्यूब है ना। एरिया ऑफ फेस क्या होगा? फेस का एरिया एल स्क्वायर। एल का स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर। वेरी गुड। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ मॉलिक्यूल हमने ये लिखा था m, है ना। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मैं मान रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मैं मान रहा हूँ v1। फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मान रहा हूँ v1। तो v1 तो हमारा vxi कैप प्लस vyj कैप प्लस vz के बराबर होगा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी। हाँ। पढ़ चुके हो ये मैथमेटिकल टूल में, फिजिक्स में। हाँ है ना। हाँ सर। ज्यादा नहीं आएगा यहाँ, बस यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। अब देखो मैं यहाँ से कुछ कुछ फॉर्मूले लिखने वाला हूँ और प्रेशर तक जाने वाला हूँ, प्रेशर के फॉर्मूले तक डिराइव करने वाला हूँ। पहला चीज मैं देख रहा हूँ कि मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन निकालना है मुझे मॉलिक्यूल का। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो वो क्या होगा बताओ। देखो ये वी एक्स डायरेक्शन में जा रहा था और एम मास के साथ जा रहा था, तो एम वी एक्स इसका मोमेंटम हो जाएगा। hmm. है ना। एम वी एक्स मास इंटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम। दूसरा मोमेंटम बिफोर, सॉरी आफ्टर कोलिजन निकालना है तो अब ये उल्टी डायरेक्शन में आएगा, उसी के साथ, उसी डायरेक्शन, उसी स्पीड के साथ, तो माइनस एम वी एक्स हो जाएगा क्या? यस सर। है ना। देखो पहले इधर की साइड गया था मैं, देखो रेड साइन से बना रहा हूँ और आते वक्त इधर की साइड आया, तो डायरेक्शन चेंज, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन थी, इस वजह से हमने क्या लिख दिया, माइनस एम वी एक्स। सही है। अब ये Vx ही क्यों वेलोसिटी है, क्योंकि हम इसको इलास्टिक बोल रहे हैं, ध्यान रखना कोई एनर्जी लूज नहीं हो रही, जिस स्पीड से वो गया था उसी स्पीड से लौट कर आया, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इस वजह से जाते वक्त प्लस Vx लिखा था, आते वक्त क्या लिख दिया, माइनस Vx। क्लियर है? हाँ क्लियर। नोट कर लो ये। हो गया सर। रुकिए सर।
हो गया बेटा, जल्दी लिखो थोड़ा। हो गया सर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। चले आगे। हाँ। थर्ड, मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, बिफोर आफ्टर हमें पता चल गया है तो? यस सर। हाँ सर। कैसे करूंगा? एम वी एक्स माइनस का माइनस ऑफ एम वी एक्स, तो ये हो जाएगा टू एम वी एक्स। सही लिखा। फोर्स, सबसे पहले मैं, क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले फोर्स तो आता ही है, एरिया हमें पता है, तो फोर्स अपॉन एरिया करके प्रेशर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फोर्स निकाल रहा हूँ, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एम इनटू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही होता है क्या? यस सर। यस सर। देखो टाइम यहाँ पर हम वो ले रहे हैं, टाइम टेकन, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू ले रहा हूँ मैं, t equal to time taken between two successive collision, है ना। अब ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल मान लो कि यहां से निकला था, ये देखो मैंने व्हाइट सर्किल बना दिया। टू सक्सेसिव कॉलिजन का मतलब ये है कि पहली बार वो यहां टकराया इस वाली वॉल पे, दूसरी बार वो इस वाली वॉल पे टकराएगा इस तरह से, और वापिस उस पोजीशन पे पहुंचेगा ना, उस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम। समझ आया? दो बार कोलिजन करना है उसको, उस ड्यूरेशन में कितना टाइम लग रहा है अपने पुरानी पोजीशन तक पहुंचने में, उसको क्या बोलेंगे? टाइम। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे डिस्टेंस आप बता दोगे क्या? एक बार जाता तो एल डिस्टेंस ही, यहाँ तो दो बार चक्कर काट रहा है वो, हो जाएगी। स्पीड क्या होगी? vx। स्पीड vx। चले आगे। चले आगे। हाँ सर। तो टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2l अपॉन vx। मतलब फोर्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? फोर्स में हमने अभी निकाला था 2m vx अपॉन 2L into Vx। सही लिखा क्या मैंने? 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा MVX का whole square upon L। सही लिख दिया? Yes। तो ये yes। किसका formula आ गया? ये formula आ गया हमारा force। Force का। Note कर लो जल्दी से। हाँ। बेटा ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं, मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस में कई बार फोर्स भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बीच का इंटरमीडिएट था ये भी एक फॉर्मूला है ना। तो डेरिवेशन पढ़ना तो है, इजी डेरिवेशन है, केमिस्ट्री में कभी भी हार्ड डेरिवेशन नहीं आएंगे फिजिक्स जैसे, ईजी आएंगे, एक बार समझना है, और ज्यादा तो हमें फॉर्मूले ही याद रखते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें उतना ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देख इरेज करूँ क्या ये? हाँ। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। हाँ। आगे चलो। अब देखो प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो हमें पता है क्या था अभी? एम वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एल। एरिया में लूंगा एल स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर है ना बेटा, एक वॉल से टकराने पर भी एग्जर्ट होगा, दो वॉल से टकराने पर भी एग्जर्ट होगा, तीन वॉल से टकराने में भी एग्जर्ट होगा। तो जिस वॉल से वो टकरा रहा है उसका एरिया लेना है, ऐसा नहीं है कि पूरे उसका एरिया ले लो आप कंटेनर का, ठीक है ना। तो ये मैंने फेस का एरिया लिया है, क्या ये एल स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा एम वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन
नहीं आमने सामने का नहीं बेटा, एक वॉल से सामने जो टकराना है ना उस पे कितना वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो निकाल रहे हम एक मॉलिक्यूल। इसको मैं वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ एल क्यूब को, ठीक है ना सर। अब बेटा ये वी एक्स तो बेटा एक डायरेक्शन में था, वी एक्स तो ना देगा कि वो आपको वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्वेश्चन में देगा, वो तो सिंपल वेलोसिटी देगा ना। तो हमें वी एक्स को कम वी एक्स को रिप्लेस करना है वी वन से। अब वो कैसे करेंगे देखो, क्या मुझे पता है कि तीनों डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी सेम होने वाली है, वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड, है ना, ये तो मानते हैं। और v1 अब या तो vx स्क्वायर है तो मैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर ये लिख सकता हूँ, v1 के स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3vx स्क्वायर v1 का स्क्वायर, हाँ क्योंकि तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है लिख सकता हूँ। तो वी एक्स स्क्वायर की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वन का स्क्वायर अपॉन थ्री लिख सकता हूँ। तो प्रेशर के फॉर्मूले में हम वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, देखो एम वी वन का स्क्वायर अपॉन थ्री, वी वी की जगह मैं एल क्यूब लिख रहा हूँ, नहीं तो आप वी को भी वेलोसिटी मानने लग जाओगे। वी क्या था, ये वॉल्यूम था बेटा, ठीक है। हाँ आया समझ में क्या किया हमने? हाँ सर। नोट करो, तो ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आया, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कौन किस कितने मॉलिक्यूल के लिए, ओनली वन मॉलिक्यूल के लिए, फॉर वन मॉलिक्यूल। नोट कर लो जल्दी, हो गया। चले आगे। यस सर। देखना आप इरेज कर दूं ये। हाँ इफ सर लास्ट लाइन एंड हो गया सर, वो तो एन मॉलिक्यूल के लिए था, अगर एन मॉलिक्यूल गिवन हो तो तो क्या करेंगे, टोटल प्रेशर बताएंगे। टोटल प्रेशर क्या होगा, सभी के प्रेशर का इक्वल, सभी मॉलिक्यूल जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसका उसका सम। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, वन बाई थ्री एम वी वन का स्क्वायर अपॉन एल क्यूब प्लस वन बाई थ्री एम वी टू का स्क्वायर अपॉन एल क्यूब प्लस वन बाई थ्री एम वी थ्री का स्क्वायर अपॉन एल क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मैं कॉमन ले लेता हूँ, इससे अच्छा मैं कॉमन ले लेता हूँ एम अपॉन एल क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है, सही है, सही है। हमें पता है ना टोटल प्रेशर सभी के पार्शियल प्रेशर का सम होता है, तो सारे मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर लिख लिया उसका सम कर दिया तो टोटल प्रेशर के इक्वल आ गया। अब देखो हमने यहाँ से पढ़ा था एक नई टर्म जो थी वी आर एम एस, क्या थी वो, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एन, वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन अपॉन एन, ऐसा था क्या वो? यस। तो मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल टू v r m s का स्क्वायर इनटू n, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। हाँ ऊपर रिप्लेस कर दूं, आ गया समझ में क्या किया मैंने? आ गया। हाँ सर। तो यहाँ पे ऊपर रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, वन बाई थ्री एम अपॉन एल क्यूब इंटू एन इंटू वी स्क्वायर आर एम एस, तो ये हमारा प्रेशर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा,
है ना, इससे पहले वाला भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है किसका, प्रेशर का। नोट करो, किया? हाँ। अब देखो बेटा, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो केटीजी, आज हमने स्टार्टिंग से केटीजी स्टार्ट किया, इससे पहले एक वीआरएमएस का क्वेश्चन किया था, उसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पहले लिख लिया था, और वो कैसे आया था वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। तो केटीजी के कुछ पॉइंट थे कि एक तो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होती, जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, वॉल से गैसेस के मॉलिक्यूल टकरा रहे उस वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और वो जो प्रेशर है वो किस नेचर का, इलास्टिक नेचर का है, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, जो कोलिजन है वो इलास्टिक नेचर का। और दो पॉइंट थे जो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए होते हैं। पहला पॉइंट तो ये था आइडियल गैसेस के लिए कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को हम क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ये वाले पॉइंट अभी ज्यादा काम नहीं आए हैं, लेकिन कल की क्लास में बिल्कुल बहुत ज्यादा काम आएंगे, वो जब जब हम वैन डर वाल गैस ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिंपली डिराइव किया है। सबसे पहले हमने डिराइव किया था फोर्स को, तो फोर्स को डिराइव करने के लिए हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर दिया टाइम से, तो फोर्स का वैल्यू आ गया। फोर्स को डिवाइड कर दिया एरिया से, तो प्रेशर का वैल्यू आ गया, लेकिन जो प्रेशर का वैल्यू आया है वो वन मॉलिक्यूल का आया है। अब एन मॉलिक्यूल के प्रेशर को हम सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, और टोटल प्रेशर आते वक्त हमें बीच में वीआरएमएस को रिप्लेस करना पड़ा, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको डिराइव किया। क्लियर है? यस। चलें आगे। यस सर। है ना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन करेंगे हम इस पे। करूँ ही रेस? चलो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट प्रेशर इन कंटेनर ऑफ 2 liter वॉल्यूम Containing 10^20 molecules. Where mass of each molecule is 18 amu. And VRMS is 400 m/s. क्वेश्चन नोट करो, देखो। हो गया क्या सर? वो 10^20 लिखा है ना? हाँ हाँ बेटा। अब देखो बेटा, ये क्या है, ये वैल्यू है 10^20 जो है, ये क्या है हमारी n की वैल्यू दे रखी, नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारी किसकी वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम। ये हमारी किसकी वैल्यू दे रखी है, मास की, मास ऑफ मॉलिक्यूल की। ये किसकी है, VRMS. मतलब गिवन क्या क्या है। अब देखो यहाँ पर जो
वी आर एम एस दे रखा है, वी आर एम एस क्या एसआई यूनिट में है क्या? एसआई यूनिट में है, मतलब सभी चीजें हमें एसआई यूनिट में चाहिए होगी। वॉल्यूम को एसआई यूनिट क्या होती है, लीटर होती है क्या? यस सर। नहीं नहीं, वॉल्यूम की एसआई यूनिट बेटा मीटर क्यूब होती है, और 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के, ठीक है ना। तो हमें सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एन की वैल्यू तो 10^20 रहने वाली। मास, मास क्या था, 18 amu। क्या एमयू एसआई यूनिट है? नहीं, एमयू तो एटॉमिक मास की यूनिट है, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 × 10^-27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गई सारी वैल्यू। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, 1/3 वी आर एम एस का होल स्क्वायर, मतलब इंटू 400 × 400, दो बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इंटू एन 10^20 इंटू एम, एम कितना है, 18 × 1.6 × 10^-27। क्लियर है? अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 2 × 10^-3। क्लियर है? अब ये 10^27 को बेटा मैं नीचे लिख दूं क्या, इंटू 10^27। ये 10^20 10^27 को 10^7 टाइम्स कर देंगे। Yes. ठीक है, ये 10^3 -3 और ये 4, ये टोटल 10^7 को कट कर देंगे। सही किया, सही किया क्या कट? हाँ सही किया। 2 से ये 4 2 times, 3 से ये 6 6 times, तो ये कितना आ रहा है, 8 × 6 = 48, 48 × 1.6 वो हमारा प्रेशर आ जाएगा। और प्रेशर की वैल्यू जो भी आएगी वो किसमें आएगी, क्या पास्कल में आएगी? पास्कल, हाँ सर। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर। अगर ऑप्शन में पास्कल नहीं एटीएम दे रखा हो तो कन्वर्ट कर लोगे, 1 atm = 1.01325। समझ आ गया हमें, यूनिट्स का खेल है बेटा, गैसीय स्टेट में टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता। अगर आपने यूनिट डाइमेंशन यूनिट कन्वर्जन अच्छे से सीख लिया तो आप कर लोगे इजीली क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे फिर आपको। ये इसको 48 को 1.6 से मल्टीप्लाई करके आंसर भी लिख देना होता है। चलो हो गया, चलें आगे। चलो बेटा नया फॉर्मूला डिराइव करते। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पी का, 1/3 एन इंटू एम इंटू वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन वॉल्यूम, ऐसा था फॉर्मूला। अब मैं यहां से निकाल रहा हूँ बेटा वी आर एम एस की वैल्यू, तो पी वी ऊपर चला गया, 3 भी ऊपर चला गया, एन इंटू एम नीचे आ गया, और इसका अंडर रूट आ गया क्या ऊपर वाले फॉर्मूले से? ये यस सर। एन क्या है बेटा, एन एन है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ कितने, 6.023 × 10^20, तो क्या n इक्वल टू na हो जाएगा क्या?
यस सर हाँ हो जाएगा मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा n और मास ऑफ n मॉलिक्यूल कितना होता है एफ यहाँ पर एफ मास ऑफ n मॉलिक्यूल क्या होगा m इनटू n यही होता है हाँ सर बेटा एक बात समझो एक बनाना का मास दे रखा है 100 ग्राम तो 10 बनाना का कितना हो जाएगा 1000 ग्राम है ना अब मुझे एक का मास दे रखा है m तो n a मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा m इनटू n ऐसा ही होता है ना m इनटू n ऐसा ही होता है ना और मास ऑफ n a मॉलिक्यूल को ही क्या हम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बोलते हैं क्या मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल हाँ सर और इसी को हम क्या बोलते हैं मोलर मास जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हाँ या ना यस मानते हो इस बात को हाँ मतलब मैं यहाँ से वी आर एम एस का एक नया फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूँ बेटा रूट थ्री पी वी अपॉन एन को मैं बोल रहा हूँ एन ए इंटू एम और इसी को मैं अब आगे चल के क्या बोल रहा हूँ मोलर मास कैपिटल एम क्लियर है Yes. तो ये एक फॉर्मूला तो ये बन गया अब देखना पी वी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होता है क्या होता है एनआरटी एन तो हम क्या मान रहे हैं वन तो यहाँ से हमारा पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आरटी हो जाएगा yes. होगा होगा तो वी आर एम एस का वापिस से वही फॉर्मूला जो पिछली क्लास में पढ़ा था क्या था रूट थ्री आर टी बाई एम तो वो यहाँ से डिराइव हुआ था क्लियर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा नोट कर लो यहाँ ये वाला पेज नोट करो फिर आगे चलते हो गया हाँ हो गया सर चलें आगे तो वीआरएमएस का जो फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है थ्री आर टी बाई एम बट इसमें हमें याद रखना है कि हमें जो आर लेना है वो उसकी एसआई यूनिट मतलब 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेना है टेम्परेचर किसमें लेंगे हम केल्विन में लेंगे मोलर मास किसमें लेंगे हम केजी में मोलर मास ग्राम में होता है उसको केजी में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है और वीआरएमएस की वैल्यू किसमें आएगी मीटर पर सेकंड में क्लियर है यस हम यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मूले को देखो वीआरएमएस किस पे डिपेंड कर रहा है इम्पोर्टेंट है वीआरएमएस डिपेंड कर रहा है क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा रूट टी के टेम्परेचर पे इसका मीनिंग ये है वीआरएमएस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वीआरएमएस किस पर डिपेंड कर रहा है ओनली ओनली लिखा है मतलब ओनली टेम्परेचर पे ना तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा ना मास पे डिपेंड करेगा ना प्रेशर पे डिपेंड करेगा ना मोल्स पे डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा ओनली टेम्परेचर पे उसका रूट है ठीक है हाँ तो है तो टेम्परेचर ही ना बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वी आर एम एस की वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा तो वी आर एम एस कम होगा क्लियर है
यस सर नोट कर लो जल्दी से हो गया सर हो गया डन सर चले आगे हाँ सर क्वेश्चन लिखना टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस कैलक्यूलेट रेशियो ऑफ वी आर एम एस जल्दी से कैलकुलेट कर दो ये सब 927 है ना हाँ 927 है बेटा कैसे निकालेंगे बेटा दो अलग अलग वी आर एम एस से वी वन आर एम एस अपॉन वी टू आर एम एस या वी आर एम एस टू ये किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा रूट टी वन अपॉन रूट टी टू के टी वन हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस केमिस्ट्री में कभी भी डिग्री सेल्सियस का यूज नहीं करना है ये क्या हो जाएगा 300 केल्विन टी टू क्या हो जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस मतलब 1200 केल्विन तो वी वन आर एम एस इक्वल अपॉन वी टू आर एम एस किस क्या हो जाएगा 300 अपॉन 1200 मतलब ये रूट 1/4 मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा 1/2 सिंपल है सिंपल है हाँ सर नोट कर लो जल्दी हो गया सर चले आगे यस सर हाँ सर हाँ सर अब देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ If सर एक सेक ये लो हो गया सर हो गया करें वापस If pressure of gas is changes from 1 atm to 4 atm at 27 degree celsius calculate ratio of vrms answer bata do jaldi se अब क्या किया हमने प्रेशर को चेंज किया है वीआरएमएस का रेशियो पूछ रहा है वो दो अलग अलग प्रेशर पे क्या होगा आंसर 1:1 क्यों बेटा सर इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर वेरी गुड बेटा है ना इसका आंसर ये ओनली है बेटा इस वजह से ओनली अंडरलाइन किया था मैंने प्रेशर होगा प्रेशर हमारा वेरिएबल है और टेम्परेचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है हाँ टी कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट कौन सा लो है ये बॉयल्स लो तो वीआरएमएस भी क्या होगा कांस्टेंट
नहीं चेंज होगा, मतलब रेशियो क्या आएगा, 1:1. वेरी गुड बेटा. क्या नाम है आपका? सुबोध. सुबोध? यस सर. वेरी गुड सुबोध. चलो एक क्वेश्चन और करो. टू कंटेनर आर टेकन, वन कंटेन्स SO3 गैस एट 327 डिग्री सेल्सियस एंड अदर कंटेन्स CH4 गैस एट 927 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट रेशियो ऑफ VRMS. क्वेश्चन नोट करो और आंसर बताओ. सर 1:2. एक मिनट चेक करने दो बेटा. नहीं बेटा गलत आ रहा. 1:2. 1:2. नहीं बेटा देखो मैं बता रहा हूँ. 1:1. क्या बोल रहे हो बेटा? 1:10 आएगा आंसर. देखो मैं बताऊं. VRMS फॉर SO3 गैस कैसे निकालेंगे? √3R टेम्परेचर कितना दे रखा था? 327 की 227 327 मतलब 273 एड कर देंगे हम 600 अपॉन इसका मोलर मास जो कि होता है 80. VRMS of CH4 √3R into 927 दे रखा है मतलब 1200 अपॉन इसका मोलर मास 16 में VRMS of SO3 अपॉन VRMS of CH4 का रेशियो ले लेता हूँ. तो 3R से 3R तो कट, ये हो जाएगा 600 अपॉन 80 into 16 अपॉन 1200 ये से 2 times, ये से 8 times, ये से 10 times, तो √1/10 मतलब आंसर क्या आएगा? 1:10. आया समझ में? सिंपल ही था ना ये तो? यस सर. नोट कर लो. सर एक मिनट पहले स्लाइड ये लो. हाँ हो गया सर. हो गया सर. हो गया. चलें आगे. यस सर. नेक्स्ट हेडिंग लिखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा? हाँ सर. देखो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आ रहे हो काफी टाइम से, होता है हाफ एम वी स्क्वायर. मैं यहाँ पर एम वी को वी वन लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बता रहे हैं. कोई दिक्कत?
अगर मुझे n मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो सभी की काइनेटिक एनर्जी का सम, तो हाफ एम वन वी का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से मैं हाफ एम को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा ही होगा ना? यस सर। अभी कुछ ही देर पहले हमने इसको रिप्लेस किया था किससे, बताओ? इसको रिप्लेस किया था ना हमने हाफ, इसको रिप्लेस किया था एन इनटू वी स्क्वायर आर एम एस से। कर सकता हूँ रिप्लेस? यस। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3v बाई 3v से। कर सकता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? हाँ कर सकते। अब मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस बेटा रीअरेंज कर रहा हूँ 3v बाई 2 और n2 1 बाई 3 m into n into v square rms upon v, बस मैंने रीअरेंज किया है, देखो कुछ भी नहीं किया। क्लियर है? पीछे वाला फॉर्मूला आपको कुछ याद दिला रहा है? ये किस चीज का फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है? ये प्रेशर का, प्रेशर का। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 3 by 2 PV। और PV को भी हमने रिप्लेस कर दिया था किससे? RT से। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपल है? यस। हाँ सर। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। ये तो ओनली एक मॉलिक्यूल का निकला, वन मोल गैस का निकला ना बेटा, क्योंकि हमने PV इक्वल टू NRT में N को क्या माना था? 1 माना था। हाँ है ना? हाँ सर। लिखो जल्दी से, ये किसके लिए? 4 वन मोल गैस। N मोल गैस के लिए कैसे निकालेंगे? PV को आप PV की जगह क्या लिख दोगे आप? NRT लिख दोगे। सिंपल है ना? हाँ। जल्दी से नोट करो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया बेटा, होमवर्क अभी भी वही हाँ। सेम है, सेम होमवर्क है कि फ्राइडे तक आपको मॉल कौन से कंप्लीट करना है वीडियो देखकर, क्योंकि हम मैं ये चाह रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट होने से पहले सभी का मॉल कॉन्सेप्ट से डर हट जाए, है ना? वरना वो केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम में काफी ज्यादा डर हो जाएगा। नहीं बेटा, मोल कौन से काम आने वाला है? आने वाले हर फिजिकल चैप्टर में, इसमें भी काम आया ना, इससे कई ज्यादा गुना, कई गुना काम आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको फ्राइडे से पहले मुझे चेक करवाना है। जिन जिनके नोट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं वो मुझे भेजते जाओ अपने नाम अपने बैच के साथ। क्लियर है? पर मतलब वो वीडियोस देख के नोट्स बनाने क्या? हाँ, अगर आपके पुराने पुराने नोट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो, वरना पुराने नोट्स भी काफी अच्छे होंगे, उनको आप मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, और बिल्कुल फ्रेश बनाना चाहो तो बिल्कुल, वो तब करना है जब पिछले नोट्स का आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरे कम्प्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, उनमें भी आप बीच बीच में कुछ जो आपको एक्स्ट्रा दिखे वो नोट कर लेना, उसको मॉडिफाई कर लेना, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फिर उसी के बाद में सैटरडे को आपको रिवीजन क्लास ले पाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है? हाँ सर। रिकॉर्डिंग, हाँ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, है ना, 10 बजे तक कोई बच्चा याद करवाना,
क्योंकि वो प्रोसेसिंग में रहती है 2-3 घंटे तक, ठीक है? ओके। अभी तो मैं सुबह में, सुबह वाले लेक्चर में भी A3 और A4 का जो सुबह का लेक्चर था ना, उसमें भी सेम टॉपिक पढ़ाया था, तो उसकी भेज दूंगा, वो भी देखोगे तो आपको ये सब सेम ही मिलने वाले। हो गया क्या? यस सर। अब n मोल्स के लिए आप काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिखोगे? 3/2 nRT। ये किसके लिए होगा? 4 n mol, ठीक है ना? अब यहां से आपको देखकर लग रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब यहाँ भी आप नोट बनाकर लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, आप पानी गर्म करते हो, रोज पानी गर्म करते हो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपको इंक्रीज होते हुए दिखती होगी, दिखती है ना? वाटर के मॉलिक्यूल। वही एक एग्जांपल कर रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाकर हमने कर दिया 1200 डिग्री सेल्सियस। कंपेयर करना है हमको क्या? काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से बता दो आंसर, कंपेयर करके बता दो। Ke2 upon Ke1 1:4:1 बेटा वही तो गलती कर रहे हो। ये किसमें है? ये डिग्री सेल्सियस में है, कभी भी डिग्री सेल्सियस में पहले केल्विन में कम। हाँ, 1473/573 ये आंसर होगा। एक ऑप्शन 4:1 भी था, बट वो गलत हो जाता। समझ आ गया? हमेशा केमिस्ट्री में डिग्री सेल्सियस को हटा के केल्विन में कन्वर्ट करना है। चलो, हो गया क्या ये? हाँ सर। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फॉर वन मॉलिक्यूल, तो कैसे निकालूंगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 RT, ये किसके लिए था? फॉर वन मोल। वन मोल को मैं डिवाइड कर दूं एन ए से, तो क्या आ जाएगा हमारी? फॉर वन मॉलिक्यूल। सही बात है क्या? मान लो कि 10 क्रिकेटर की जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, वो समथिंग है, तो एक क्रिकेटर की स्पीड क्या होगी? वो समथिंग को आप डिवाइड कर दोगे 10 से। हाँ, समझते हो? आ रहा है ना समझ में? तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, है ना? अब यहाँ पर एक नया कांस्टेंट बनेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, R/NA, दिख रहा है? आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एन ए क्या है? अवोगाड्रो नंबर। इसको बोलते हैं बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसको मैं पहले तो के बोल रहा हूँ, के इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जो कि इक्वल होने वाला है R/NA के। आर क्या लिखेंगे? 8.314। एन ए क्या लिखेंगे? 6.023 × 10⁻²³। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻²³ ऊपर जाएगा, तो 10⁻²− 23 बनेगा। 8.314/6.023 करेंगे तो आने वाला है 1.38, है ना? तो ये काफी इम्पोर्टेंट वैल्यू है, डायरेक्ट वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो होता है R/NA, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट के देन टी, केटी, और के क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू वो पूछ सकते हैं। सिंपल है? हाँ। चलो, आज मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। आज हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट किए,
और काइनेटिक एनर्जी भी कंप्लीट किए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने सबसे पहले जो निकाला था वो था मोमेंटम, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन आया था mvx, तो आफ्टर कोलिजन क्या था, माइनस ऑफ mvx। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया था, mvx का होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद हमने निकाला फोर्स। फोर्स कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम क्या था, 2l अपॉन, बताओ 2l अपॉन vx। तो हमारा फोर्स का वैल्यू आ गई थी, फोर्स का कुछ फॉर्मूला आ गया था एम वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एल क्यूब अपॉन एल, सॉरी अपॉन एल। फिर हमने निकाला प्रेशर, तो प्रेशर आ गया एम वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। कैसे निकाला प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया करके। फिर वी एक्स को रिप्लेस किया किससे, वी वन से, और वहां पे क्या आ गया, वी आर एम एस आ गया। तो कैसे, क्या फॉर्मूला था प्रेशर का, 1/3 एम इंटू एन इंटू वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन एल क्यूब। याद रहेगा फॉर्मूला। फिर वी आर एम एस के फॉर्मूला डिराइव किया हमने, जो कि थे रूट थ्री आर टी बाई एम। क्या था, रूट थ्री आर टी बाई एम, ठीक है। और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला देखे, जो एक फॉर्मूला तो ऊपर ही लिखा हुआ है 3/2 RT/N, जो कि वन मॉलिक्यूल का था, 3/2 RT किस, बेटा म्यूट हो जाओ, 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल गैसेस। एन मोल गैसेस का क्या हो जाएगा, 3/2 NRT, ठीक है। और यहाँ से हमने एक नए कॉन्स्टेंट के बारे में जाना, जो हमें रटना है, याद करना है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलो, कल की क्लास में बेटा अपन काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको एक नई शीट भी मिली होगी रियल गैसेस के नाम से, रियल गैसेस स्टार्ट करने वाले कल की क्लास में, वंडर वॉल गैस ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। हाँ बेटा। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो, ये वाली क्लासेस खत्म, ये वाली। ओके थैंक यू सर। क्या बोल रहे हो बेटा? सर आइडियल गैसेस खत्म। आइडियल गैसेस का एक टॉपिक बचा है बेटा, फॉल्टी बोरोमीटर, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके ठीक है सर। चलो बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर।